पांच दिनों तक रखा रहा अस्पताल में शव और 3 फीट की दूरी पर लगे नल से पीते रहे पानी। ट्रेनों के संचालन नहीं होने से बढ़ने लगी बसों में भीड़, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन। जल्दी गाइडलाइन के साथ खुल सकते हैं कोचिंग सेंटर, भाजपा जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर से की मुलाकात। एक्स आर्मी मैन दे रहे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण, 3 सालों में 29 विद्यार्थी हो चुके सफल। और 2 दिनों में कोरोना के मिले 10 नए संक्रमित, सक्रिय पॉजिटिव की संख्या हुई 38। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 3 फीट की दूरी पर 5 दिनों तक रखा रहा शव और लोग पीते रहे पानी। शव का पीएम हो चुका था और नगर पालिका द्वारा दिए गए फ्रीजर में रखवा दिया गया था। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर बिहार निवासी उदय पांडुरना के पास ट्रेन रुकने पर उतर गया और 20 दिसंबर को उसका शव जंगल में लटका मिला। बाद में पीएम करवाकर उसके शव को परिजनों के इंतजार में फ्रीजर में रखवा दिया गया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जनरल वार्ड के समीप के पीने के पानी के पास के नल के पास रखवा दिया गया। ईएमएस संवाददाता ने फ्रीजर और पेयजल पर सवाल किया तो अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन ही उसका दाह संस्कार करवा दिया। बसों के संचालन शुरू हो चुका है जबकि ट्रेनों का संचालन अभी नहीं हो रहा। जिले सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज तक ट्रेनों के संचालन नहीं होने से बसों में यात्री बढ़ने लगे हैं, जिसमें अब ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही बसों में मास्क को गंभीरता से लोग ले रहे हैं। 3 फीट की डिस्टेंस तो दूर की बात, 3 इंच की डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं हो रही। रेल के संचालन के बारे में जब जोनल सदस्य अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे पहले ही राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी को जिले में अपनी ट्रेनों के संचालन के लिए पत्र लिख चुके हैं, जिसे सांसद द्वारा रेल मंत्रालय को भी भेजा जा चुका है। जिला कोचिंग एसोसिएशन ने कोचिंग शुरू करने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोचिंग खोले जाने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने बताया कि जल्द ही कलेक्टर सौरभ सुमन नई गाइडलाइन बनाकर कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे। आज मैंने सभी कोचिंग वालों के साथ मिलकर के संचालकों के साथ कलेक्टर साहब से मिलकर के इनकी परेशानियों से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। कलेक्टर साहब ने सहमति दी है कि 1-2 दिन में इसकी गाइडलाइन बना करके कोचिंग फिर से चालू होगी, जिससे इनकी परेशानी और तकलीफ दूर होगी और आगे आने वाली बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके बच्चों को पढ़ने में भी सहायता प्राप्त होगा। पुलिस ग्राउंड मैदान में हर दिन 2 घंटे तक करीब आधा सैकड़ा से अधिक युवक युवतियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास का निःशुल्क मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोफोर्स अकेडमी के संचालक और राष्ट्रीय NIS कोच एक्स आर्मी मैन गोपाल धवन ने बताया कि 2017 से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 29 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। प्रशिक्षण में छिंदवाड़ा के तत्कालीन SP गौरव तिवारी, पूर्व RI लाल बहादुर बौद्ध और CID इंस्पेक्टर प्रदीप वाल्मीकि ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। 2 दिनों में 10 कोरोना से संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 28 से बढ़कर 38 हो गई है, जबकि 2 ही दिनों में 1 भी कोरोना संक्रमित की उपचार के बाद छुट्टी नहीं हुई है। जिले में आज 6 संक्रमितों के मिलने के बाद कुल संख्या 2241 हो चुकी है, जबकि करीब 246 सैंपलों की रिपोर्ट मीडिया बुलेटिन के अनुसार गुरुवार की शाम तक नहीं आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में आज जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सुशासन की शपथ ली गई। कलेक्टर कार्यालय के प्रांगण में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सुशासन दिवस पर सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केंद्रित और जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के साथ ही प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को लेकर शपथ दिलाई। देश में शासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान
पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर, आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौदुली वृद्धाश्रम में OBC SC ST एकता महासभा महिला मोर्चा द्वारा वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गई। मोर्चा अध्यक्ष त्रिषा सूर्यवंशी ने बताया कि वृद्धजन में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ सर्दी बुजुर्गों को कंबल भी वितरित किए गए। OBC ST SC के हमारे संगठन की ओर से यहाँ पे हम लोग ने वृद्धाश्रम में एक कैंप लगाया, जिसमें हमने ठंड से पीड़ित, अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उनसे थोड़ी सी राहत के लिए हमने लोगों को यहाँ पे वृद्धाओं को हमने कंबल बांटा हुआ है। और हम लोग ने हेल्थ कैंप में BP शुगर जो भी हम लोगों से बन पड़ा है, हमारे संगठन की ओर से जो भी हमने जो चाहा वो हम लोग ने अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये है कि हम पूरे देश में, हमारा मतलब जो संगठन है पूरे देश में, जो जरूरत पीड़ित हो लोग हैं उनको हम लोग सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकें, यही हमारा संगठन का महत्व है और हमारा वो रहेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी के नेतृत्व में आज कलेक्टर परिसर में पेशा एक्ट और वन अधिकार अधिनियम कानून को लागू करवाने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव सतीश नागवंशी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते समय पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमरे, कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी, प्रदेश सचिव जोहरी लाल, IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बेलवंशी, नगर निगम अध्यक्ष नरेंद्र उइके, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ज्योति गुहिया, नगर निगम अध्यक्ष तोशिबा लोखंडे, क्षेत्र के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आदिवासियों के जो पेशा कानून है उसको खत्म न किए जाने के संदर्भ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा ने अपना ज्ञापन कलेक्टर महोदय को राज्यपाल जी के नाम से सौंपा हुआ है। और साथ ही हम जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसमें आम जनजीवन जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, तो इसमें आप कुछ इस तरीके से रास्ता निकालिए कि आम जनजीवन प्रभावित ना हो। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के जिलाध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा के नेतृत्व में आदर्श गौशाला पाठाढाना चंदनगांव स्थित गौशाला में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूजन और गौ माता का पूजन और गौ माता के विशेष मंत्रों से आहुति हवन संस्कार किया गया। भंडारे का आयोजन भी किया गया। बाद में गायों को गुड़, चना, मेथी, समहार फल आदि खिलाया गया। गौ माता की पूजन एवं भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा एवं इसके बाद हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर सभी राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ के सभी सदस्य मौजूद थे। जो नारदेव में पुरानी पेंशन की मुहिम को तेज करने के लिए ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन पेंशन अधिकार यात्रा का सम्मेलन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि किनई पेंशन स्कीम में पेंशन नाम मात्र है, अभी जो रिटायर हुए हैं या दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को 1,000 से 1,500 रुपए तक पेंशन मिल रही है, जबकि पुरानी पेंशन में वेतन से लगभग आधी पेंशन बनती थी। बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय क्रमिक लाखवार धरना प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम 20 सितंबर 2000 से आयोजित एसोसिएशन की निम्नलिखित 2 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने का कष्ट करें। पहली, पुरानी पेंशन। शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने वाले और अवैध हथियार रखने वाले 2 आरोपियों की जमानत को न्यायालय ने नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चांदामेटा में विवाद कर रहे आरोपी जिनेश को जब पकड़ा तो उसके पास से बकानुमा चाकू मिला। वहीं एक अन्य मामले में छिंदवाड़ा के ही गुरैया रोड में ट्रैक्टर फंसाकर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते 4 लोगों द्वारा एक व्यक्ति के पास मारपीट के मामले में न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत निरस्त कर दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।